है उर्वल के चेयरमैन महेश दुबे जी, इनसे बात करते हैं कि उर्वल का कैसे विकास करेंगे। उर्वल वो जगह है जो मुख्यमंत्री के शहर का है, वो नगर पंचायत जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री की, इसी बारे में इनको पहले शुभकामना देते हैं कि आपकी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और आपने क्या सोचा है कैसे विकास करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट में पहली बार आप दूसरी बार चेयरमैन हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं पहली बार निर्वाचित हुआ हूँ, दूसरी बार वहाँ चुनाव हुआ है। इसके पूर्व में वहाँ 2018 में चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जीते थे। इस बार मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे टिकट दिया और मैं विजयी हुआ हूँ पहली बार। वहाँ पर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का विशेष लगाव है नगर पंचायत उर्वल में। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उर्वल नगर पंचायत उन्होंने घोषित किया और वहाँ पर एक शानदार बाईपास ऑलरेडी उन्होंने बनवा दिया और नया नगर पंचायत का नया भवन लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लागत से बन गया, तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। वहाँ पर जो विकास है, नाली है, सड़क है, इस सारे जो विकास के कार्य हैं वो सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में, क्योंकि विकास ही मुद्दा रहता है, तो हम सारा समग्र विकास जो जिसे कहते हैं आप, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे बिजली हो, चाहे हेल्थ हो या एजुकेशन हो, सब में सबका विकास करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। उसी मंत्र को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे यहाँ जो समस्या जो है वो हॉस्पिटल को उच्चकृत कराना है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य की। पिछली नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उठा था, आवास को लेकर के, नाली और खड़ंजियों को लेकर के, बिजली विभाग को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो बाईपास पे लगना था और उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बिना काम के ही पेमेंट हो गए थे। आने वाले समय में उस भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, उसे कैसे लगा करेंगे और जनमानस में क्या विकास करेंगे, इस पर कुछ बताएं। जैसा कि बताऊं, मैं बिजली का पोल जो आप बता रहे हैं उसको मैंने ही रुकवाया था लगने से। जब वो लग गया था और उसमें 70% के लगभग, मुझे जहाँ तक अभी पूरे कंफर्म नहीं हूँ, कुछ पेमेंट हुए थे, फिर मैंने बाकी काम रुकवा दिया था पहले ही। और उस पर मेरा विशेष ध्यान है और पीडब्ल्यूडी विभाग से हमने बात की, वहाँ के पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से, कि जो पटरी है पीडब्ल्यूडी जो बाईपास की पटरी हो, उसका निर्माण हो जाए, उसके बाद पोल वहाँ से शिफ्ट करा कर साइड में किए जाएंगे, उसके बाद ही बिजली के पोल वहाँ लगेंगे। जहाँ तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो आपको पता है कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चलती है और आवास में डायरेक्ट पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार होने का कोई सवाल ही नहीं।